हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास फोर्थ के मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर फाइव स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फाइव हमारा डिवीजन से रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम डिवीजन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और डिवाइड करना भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हम क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर फाइव डिवीजन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज सिक्स को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सिक्स में आज हम एस्टिमेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज फाइव सॉल्व की थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज फाइव में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे डिवीजन से रिलेटेड। आज हम डिवाइड से रिलेटेड ही, लेकिन एस्टिमेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एस्टिमेशन में हम जैसे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज सिक्स क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया हुआ है कि एस्टिमेट द कोशेंट बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू देयर ग्रेटेस्ट प्लेस। देखिए कोशेंट का हमें एस्टिमेशन मतलब राउंडिंग ऑफ करना है, जो ग्रेटेस्ट प्लेस है फिर उसका एस्टिमेशन करना है। तो देखिए जैसे कि 134 डिवाइड 22 दिया हुआ है, तो ये देखिए पहले हम इनका राउंडिंग ऑफ कर लेंगे। तो कैसे करेंगे हम राउंडिंग ऑफ, देखिए पहले हम ये देखना है किसके नियरेस्ट है। देखिए 1, 10, 100, तो ये किसके नियरेस्ट है 100 के। तो अब हमें नियरेस्ट 100 के करना, वो राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है। तो देखिए इसका हाफ कितना होगा 50, 100 का हाफ 50। अब 0 कितनी 100 में 20, तो लास्ट में 20 आ जाएंगी। और 50 से क्या है बिलो, तो सेम 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए वैसे ही इसमें करेंगे, जैसे कि देखिए 1s 10s, यानी 10s है, तो यानी 10s में कितनी 0 होती है 1, 0, 10 का हाफ क्या होता है 5। तो जहाँ हमने 0 लगाई है उसके देखिए 5 से अबोव है, 5 से बिलो, 5 से क्या है बिलो, तो यानी कि 2 का 2 रहेगा। अगर 5 से अबोव होता तो हम 1 ऐड कर देते। तो अब 100 को डिवाइड 20 से करेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 179 डिवाइड 18। देखिए 1s 10s 100, ये किसके नियरेस्ट है 100 के, तो हम क्या करेंगे नियरेस्ट 100 के कर देंगे। देखिए 100 में कितनी 0 होती है 20, तो हम पहले 20 लगा लेंगे। अब देखिए 100 का आप क्या होता है 50, 50 से क्या है अब वो, तो हम क्या करेंगे 1 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आएगा 200। तो यानी 179 का नियरेस्ट 100 क्या है 200 डिवाइड 18 दिया हुआ है। तो देखिए 1s 10s, ये किसके नियरेस्ट है 10 के। अब 10 का हाफ क्या होता है 5, तो 5 से क्या है वो, 10 में कितनी 0 होती है 10, तो 10 लगा देंगे। 5 से क्या है वो, तो हम 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 2। अब 10 से 10 कैंसिल, 2 को 10, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 10, 2 10s are 20। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 393 को हमें किससे डिवाइड करना है 17 से, लेकिन हमें पहले इसका एस्टिमेट करना होगा एस्टिमेशन। तो देखिए 393 डिवाइड 17। अब देखिए पहले 1s 10s 100, ये क्या है 100 के नियरेस्ट है, तो और ये 1s 10s, ये 10 के नियरेस्ट है। तो 100 में कितनी 0 होती है 20, तो हम 20 लगा देंगे। अब 100 का हाफ क्या होता है 50, तो ये 50 से क्या आई अब वो, तो 3 में हम क्या ऐड कर देंगे 1, 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 400 डिवाइड। अब देखिए 1s 10s, तो ये किसके नियरेस्ट है 10 के। अब देखिए नियरेस्ट 10 के है, तो हम क्या करेंगे 10 में कितनी 0 होती है 10, अब 10 का हाफ क्या होता है 5, ये 5 से क्या है वो, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे। अब 20 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 22 से 40, 0 की 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 201 डिवाइड 47 दिया हुआ है,
हमें 201 को 247 से डिवाइड करना है एस्टिमेशन करके। तो देखिए 201 का करते हैं हम नियरेस्ट, देखिए 110 100, ये किसके नियरेस्ट है 100 के, 100 में कितनी जीरो होती है 20, तो 20 लगा देंगे। अब ये 50 से क्या है, 100 का हाफ क्या होता है 50 से क्या है बिलो, तो 2 का 2 रहेगा सेम का सेम। अब देखिए 110 ये किसके नियरेस्ट है 10 के, 10 में कितनी जीरो होती है 1। अब देखिए 10 का हाफ क्या होता है 5 से क्या है ये अब, तो अब क्या कर देंगे 4 में 1 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 50, तो 50 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4। 50 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए 198 को डिवाइड करना है 11 से, 198 को डिवाइड करना है 11 से एस्टिमेट करके। देखिए 110 100 ये किसके नियरेस्ट 100 के, 100 में कितनी जीरो होती है 20, तो 20 लगा देंगे। अब 100 का हाफ क्या होता है 50 से क्या आई है वो, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे 200 डिवाइड 110 10 के नियरेस्ट है, 10 में कितनी जीरो होती है 10, 10 का हाफ क्या होता है 5 से क्या आइए बिलो, तो 1 का 1 रहेगा। 10 को 200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20, 10 2 20 0 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स 438 डिवाइड 24 दिया हुआ है, 438 को डिवाइड 24 से करना है एस्टिमेट करके। देखिए पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये नियरेस्ट किसके, देखिए 110 100 ये किसके नियरेस्ट है 100 के, तो हमें राउंड ऑफ करना है 100 के। अब देखिए पहले तो हमें यही चेक करना होगा, अब देखिए 110 100 ये पता चल गया हमें नियरेस्ट किसके 100 के, अब 100 में कितनी जीरो होती है 20, तो हम 20 लगा देंगे। 100 का हाफ क्या होता है 50 से क्या आइए बिलो, तो 4 का 4 रहेगा डिवाइड। अब देखिए 110 10 से, तो 10 में कितनी जीरो होती है 10, तो 10 लगा देंगे। 10 का हाफ क्या होता है 5, अब ये 5 से क्या है बिलो, तो 2 का 2 रहेगा। अब 20 को 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 22 40, 0 की 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में 579 डिवाइड 35, 579 डिवाइड में 35 दिया हुआ है, इसको हमें एस्टिमेशन से सोल्व करना है। तो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए पहले हम एस्टिमेट कर लेते थे 110 100 नियरेस्ट किसके 100 के। अब देखिए 100 का हाफ कितना होता है 50, 100 में जीरो कितनी होती 20, तो हम 20 लगा रहे हैं। 50 से क्या आई है वो, तो 5 में क्या कर देंगे 1 ऐड 600 डिवाइड। अब देखिए 110 ये किसके नियरेस्ट 100 टेंस के, तो अब देखिए नियरेस्ट 10 के है, तो 10 में कितनी जीरो होती है 10, 10 का हाफ क्या होता है 5 या 5 से वो हो, तो 1 ऐड कर देते हैं। अब 5 है तो यानी कि 3 में 1 ऐड कर देंगे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 4 2 बच गए इधर, 4 5 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया 15, तो हमारा आंसर क्या आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए 810 डिवाइड 52 दिया हुआ है, 810 डिवाइड 52, इसको हमें एस्टिमेशन से सोल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि ये किसके नियरेस्ट है, देखिए 110 100 ये किसके नियरेस्ट है 100 के, तो 100 में कितनी जीरो होती है 20, तो हम 20 लगा देंगे। 100 का हाफ क्या होता है 50, तो 50 से क्या आइए बिलो, तो 8 का 8 रखेंगे डिवाइड 52 है 110 ये किसके नियरेस्ट है 10 के, तो 10 में कितनी जीरो होती है 10, तो 10 लगा देंगे। अब 10 का हाफ क्या होता है 5 से क्या आइए बिलो, तो 5 का 5 रहेगा यार। अब देखिए 800 को 50 से डिवाइड देखिए 10 से 10 कैंसिल, 5 1 5 इधर बचेंगे 3, 5 6 30, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 5 को 80 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 जो हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होने के साथ साथ जो हमारी एक्सरसाइज 6 थी एस्टिमेशन की, राउंडिंग ऑफ करना था हमें, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 के, वो हम आज एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यूनिट्री मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज बस हम इतना ही करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।